हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों सभी लोगों के। मैं सेल्फ अभिनय सिंह और स्वागत करता हूं सभी का इंजीट सेंटर 24/7 पे तहे दिल से। गाइस अब देखो यहां पे बार के एग्जाम का डेट आ चुका है दोस्तों। कितना महीना बचा है तुम्हारे पास में? 30 दिन है ना लगभग लगभग, तो मोटा मोटा मैंने एक महीना ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे सिलेक्शन का जुगाड़ कैसे हो, और उसके लिए सिलेक्शन का जुगाड़ उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइज हमारा रिवीजन। तो लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए इसके ऊपर अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन का जुगाड़, तो अब देखिए यहाँ पे गाइज सबसे पहले सिलेक्शन का जुगाड़ पाने के लिए अपन ने क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले अपन को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइज जो बार्क का एग्जाम है गाइज, बार्क के एग्जाम में आपको पता है कि हमारे पास में कितने टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, पूरा 50 है ना, हाफ सेंचुरी है ना। आजकल खूब सभी इंडिया वाले हाफ सेंचुरी मार रहे हैं, तो हमारे पास में गाइस कितने क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके, जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन निकल के आएंगे। और कहाँ से होंगे गाइस? ओनली एंड ओनली टेक्निकल। हमारे पास में जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे गाइस? ओनली टेक्निकल आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन के लेवल की गाइस, तो क्वेश्चन का लेवल आपका दोनों ही रहेगा, आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। बार का पेपर अच्छा होता है, न्यूमेरिकल और आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है गाइस दोनों ही आपको देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी आपने देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट टू डू, आप करना क्या है हमारे पास में, लास्ट 1 मंथ बचा हुआ आपका ना, लास्ट 1 मंथ। तो लास्ट 1 मंथ में आपने देखो करना क्या है, तो लास्ट 1 मंथ में देखो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पास में सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए गाइस। तो इलेक्ट्रिकल के देखो आपने क्या करना है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क भी बोला जाता है ना, नेटवर्क। उसके बाद में आ जाता है गाइस आपके पास में इलेक्ट्रिकल मशीन आ जाता है हमारे पास में, जहाँ से कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में आ जाता है गाइस आपके पास में पावर सिस्टम आ जाता है, मेजरमेंट आ जाता है गाइस हमारे पास में, और क्या आ जाता है गाइस आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन आपके पास में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान रखना गाइस, एनालॉग और डिजिटल दोनों ही पढ़ना है आपको ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग और डिजिटल दोनों ही पढ़ना है आपको। अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, ईसी के लिए, तो ईसी में देखो हमारे पास में सबसे पहले कितना आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, नेटवर्क के बाद में गाइस आपका कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा हमारे पास में, कंट्रोल। उसके बाद में आपका बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम आ जाएगा हमारे पास में, कम्युनिकेशन आ जाएगा हमारे पास में, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ गया जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही आ जाएगा हमारे पास में। और क्या बचा आपका, डिजिटल बचा आपके पास में, डिजिटल, और क्या बचा आपके पास में, एनालॉग बचा आपका, ठीक है, एनालॉग। ये आपका सिलेबस है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अब देखिए लास्ट के 1 मंथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारे सब्जेक्ट आपको क्विक तरीके से रिवाइज करना है, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का पोर्शन आपका कवर हो जाए। अब दो तरीके यहाँ पे इसको रिवाइज करने के लिए हैं। पहला गाइस आपका यहाँ पे कि यहाँ पे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड करते रहिएगा, लेकिन लास्ट 1 मंथ में आपको यहाँ पे गाइस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है ना, यानी कि 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारे सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए बार का जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग का बैच है, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे किसमें प्रोवाइड किया जाए, आपका रिकॉर्डेड मोड में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, पूरा का पूरा गाइज आपको रिकॉर्डेड मोड में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, जिसमें क्या होगा गाइज आपका कंप्लीट सिलेबस होगा गाइज आपका, है ना। तो आपको देखो करना क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अड्डा 24/7 की साइट पर जाना है आपको, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, उसके बाद AEJEE एग्जाम को सिलेक्ट कीजिएगा, अपने सुंदर सी ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे बेटा, क्लिक ऑन बार का जो बैच होगा ना उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसा आइकन खुल जाएगा। उसके बाद जैसे ये आइकन खुलेगा यहाँ पे कोड लगा होगा, उसको हटा देना गाइज, और यहाँ पे दूसरा नया कोड क्या डालना गाइज, आप यहाँ पे Y433 जैसे आप ये वाला कोड लगाएंगे गाइज, मात्र ये बैच कितने का पड़ जाएगा आपको, 734 रुपये का, है ना, जो कि आपके लिए आई थिंक एक बर्गर पिज्जा पार्टी के इक्वल है ना, 734 रुपये का बैच आपको पड़ जाएगा। और आप गाइज यहाँ पे अपना जो रिवीजन है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे 734 रुपये में तुम्हें क्या मिलेगा गाइज, सिलेक्शन मिलेगा। तो देर ना करें गाइज, फटाफट से जाइए इस प्रोसेस को देखिएगा, और यहाँ पे फटाफट से जो बार का बैच है इसको गाइज बाय कर लीजिएगा, माइट भी हो सकता है आगे चल के इसकी प्राइस इंक्रीज कर दी जाए, तो अभी जो प्राइस है मात्र कितनी, 734 रुपये गाइज, ठीक है, ओके गाइस। और यहाँ पे फर्दर कोई अगर और इंक्वायरी हो आपकी, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्लीज़ लेट मी नो, आपकी जो कुछ भी हेल्प होगी डेफिनेटली वी विल डू दैट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।